हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या और भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो एमए इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसको हम बोलते हैं CUET PG को एग्ज़ाम। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जो अभी अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं और जिनका प्लान है फर्दर अपना पीजी में एडमिशन लेना। तो डिफरेंट डिफरेंट पीजी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए सारी की सारी बात इकोनॉमिक्स के ही करूँगा। तो जो पूरा का पूरा को एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड होने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर आएगा और इसमें से 75 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। तो किस तरीके से आप अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में वीडियो मैंने बताने वाला हूँ। हालांकि वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा, तो ये सारी बातें उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस हमने यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिकली इसका जो पेपर कोड है, उन्होंने पेपर कोड दिया हुआ है PGQP 44। तो इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा आपने जो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये तीन पोर्शन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। उन्होंने हालांकि नाम अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन ये सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। इसमें ग्रोथ मॉडल भी आपको पढ़ने हैं, ओपन इकोनॉमी मॉडल भी पढ़ने हैं। यानी कि जो ऑनर्स लेवल के बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ये ऑनर्स लेवल तक आपको लेके चला जाएगा। अगर आपने ऑनर्स की तैयारी की है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये सिलेबस लगता है। अब आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, आपकी यूनिवर्सिटी में लगता है नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ पे ये सारा कंटेंट ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट में कवर करा दिया जाता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा बेसिक स्टैटिक्स है, कोई बहुत एडवांस लेवल पे स्टैटिक्स को लेके नहीं गए। जो बेसिक स्टैटिक्स है वो आपको इसके में करनी है कवर। प्रोबेबिलिटी है, रिग्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग है, क्वार्टर डेविएशन है, एवरेज डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन मीडियन मोड है। जो बेसिक स्टैटिक्स है वो आपको सारी की सारी कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स का एक पेपर आने वाला है, यानी कि ये मैथमेटिक्स का पेपर आएगा आपका, वो भी आपको कवर करना है। ये भी बच्चों हमने करवाया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स ही है ये। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी आएगी पूरी की पूरी। इंडियन इकोनॉमी में जो कॉलिजन पीरियड है उसके बारे में भी आएगा। इसके अलावा रिफॉर्म पीरियड, पोस्ट रिफॉर्म, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। तो ये सारा का सारा हमारा इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है ये पब्लिक फाइनेंस का हो गया, यानी कि आपको पब्लिक फाइनेंस की थ्योरी पढ़नी है, साथ ही साथ इंडियन पब्लिक फाइनेंस के ऊपर भी पढ़ना है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी हो गई। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है अच्छी तरीके से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है अच्छी तरीके से। माइक्रो मैक्रो के अलावा आपको स्टैटिक्स करनी है, मैथ्स पढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। इसके अलावा आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। तो ये डिटेल सिलेबस है, आपको वेबसाइट पे आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से हमारी एप्लीकेशन पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको तैयार कराना है। अब मैं आपको किस तरीके से तैयार करा सकता हूं, देखिए दो बातें हैं। एक तो हमने क्या किया है, हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसके थ्रू भी आप हमारे पूरे के पूरे कोर्स को तैयार कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, और एक हमने डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि स्पेसिफिकली CUET एग्जाम के लिए ही है। यानी कि देखिए, आप पूरा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो डेडिकेटेड एक कोर्स की तैयारी करा रहा हो, खासतौर पे CUET PG इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम की। लेकिन हम क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, तो इसीलिए हमने एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां जाके उसको विजिट भी कर सकते हो। तो मैं दोनों के बारे में आपको पहले एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नाम फोन नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाइएगा, या आप वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है, VishnuEconomicsSchool.in, ये वेबसाइट है हमारी, इस पर जाके भी आप इस कोर्स को सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा कोर्स है CUET का। इस तरीके से आपको आइए, ये स्टूडेंट इंटरफेस ही है, मतलब मैंने अपना इंटरफेस नहीं चलाया, ये किसी स्टूडेंट का है, स्टूडेंट इंटरफेस है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, आपको हो सकता है मोबाइल में कुछ डिफरेंट दिखे, लेकिन होता सब कुछ यही है। तो इसके अंदर देखिए कंटेंट हमने बना रखा है। अब कंटेंट में आप देखिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दो अलग अलग कंटेंट है। तो और यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, PDF नोट्स है। तो फिलहाल हम इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा बच्चों, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। तो इसके अंदर माइक्रो है, मैक्रो है, मनी इन्फ्लेशन है, यानी कि जिस तरीके से आपका सिलेबस बनाया हुआ है उस तरीके से हमने सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर डाला हुआ है। पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मैथ्स भी इसके अंदर होगा, सब कुछ। यानी कि आपका जो सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस एग्जाम में आने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब कुछ वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया हुआ है। कुछ वीडियो हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं,
जो कि हमने किस जो कि लेकिन ऑलरेडी आप देखोगे, यानी कि जिस दिन भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे आपको सारा का सारा कंटेंट प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये आपके जो यूजी आप कर रहे हो, जो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो या बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हो, उसमें भी आपकी हेल्पफुल रहेगा। तो सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से है। जैसे मैं आपको ये पब्लिक फाइनेंस मैंने तैयार किया है, अभी मैं आपको पब्लिक फाइनेंस दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको मिलने वाला है। देखिए ये इस तरीके से आपको ये सिलेबस है, अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस है आपका पब्लिक फाइनेंस का पूरा जो हमने सिलेबस लिया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको बनाया है। जैसे आप मार्केट फेलियर देखोगे तो मार्केट फेलियर में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आपको नंबरिंग वाइज दिया हुआ है। अब ये स्टार का मतलब है कि ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप पढ़ लो, आपके नॉलेज के लिए है। सिलेबस में आप इसे चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमने बिल्कुल सिस्टमेटिकल तरीके से बनाया है। और साथ ही साथ ये नोट्स है, हालांकि नोट्स यहाँ पे ओपन, अच्छा यहाँ पे भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप तो अच्छा ये नोट्स ओपन नहीं होंगे, सॉरी, हाँ ये नोट्स ना आप एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये नोट्स जो हैं अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से देखोगे तो ये आपको मिल जाएंगे। यानी कि जब आप इस कोर्स को बाय करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, लॉक की जगह डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा कोर्स है। सेम चीज़ हमने हिंदी मीडियम में डाली हुई है, यानी कि आपको नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज वीडियो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में देंगे। इसके अलावा पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे उनको सॉल्यूशन कराएंगे। तो सिस्टमेटिकल तरीके से आपको पूरा का पूरा कोर्स CUET PG का मिलने वाला है। और इसी तरीके से बच्चों हिंदी में है, ये हिंदी मीडियम का है। हिंदी मीडियम में आपको उसी तरीके से जैसे इंग्लिश मीडियम में हमने बनाया हुआ है, सेम तरीके से हिंदी मीडियम में बनाएंगे, सिस्टमेटिकल ऑर्डर में बनाएंगे। तो बच्चों इस कोर्स की ये पेड है। देखिए फैमिली हमें भी चलानी है, हमें भी अपना जीवन करना है, तो ये पेड कोर्स है। और ये 5000 इसकी फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर आप मार्केट में जाओगे, मतलब आप, मुझे नहीं पता कि आप कहां पर हो, लेकिन दिल्ली में इस कोर्स के लिए जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं वो 25,000 से 30,000 रुपये फीस लेते हैं, लेकिन हमने बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं। और इसके बाद बच्चों अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल के थ्रू जाना चाहें, देखिए सारी वीडियो तो यूट्यूब पर डालेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी सारा कंटेंट हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो नाम है हमारा VES CUET PG इकोनॉमिक्स। ये डेडिकेटेड चैनल है। डेडिकेटेड चैनल का मतलब इसमें जो भी वीडियो आपको मिलेगी सब कुछ आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। तो ये आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको सिस्टमेटिकल तरीके से हम सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा मेन चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसमें तो आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली बच्चों बात ये है कि अगर आप सिस्टमेटिकल तरीके से इस पूरे के पूरे कंटेंट को कवर करना चाहें तो सिस्टमेटिकल तरीके से कवर करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। वहां पर ये कोर्स है, आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी होगी। बच्चों मैं ये पूरी तरीके से आपको आश्वासन दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, मान लीजिए आप पढ़ते समय अगर आपको कोई डाउट है तो आप शाम को 6 to 7 मतलब मंडे टू सैटरडे हम अवेलेबल रहते हैं। आप हमें मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।